U19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 में अमेरिका क्वालिफायर में USA की जीत। ICC अंडर-19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप अमेरिका क्वालिफायर का शुक्रवार को नाटकीय समापन हुआ, क्योंकि बारिश से प्रभावित विनर टेक ऑल मैच में कनाडा को 7 विकेट से हराकर USA विजयी हुआ और 16वां और फाइनल अपने नाम कर लिया। अगले साल के U19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप में क्वालिफिकेशन स्थान। सप्ताह की शुरुआत में अन्य प्रतिस्पर्धियों अर्जेंटीना और बरमूडा के खिलाफ मजबूत प्रदर्शन का आनंद लेने के बाद दोनों टीमें ऑन्टोरिया के किंग सिटी में मेपल लीव क्रिकेट क्लब में शुक्रवार के मुकाबले में उतरी। यह जानते हुए कि जीत उन्हें जनवरी में श्रीलंका के लिए टिकट बुक कराएगी। कनाडा ने शुक्रवार के खेल से पहले स्टीयरिंग का नेतृत्व किया, एक अपराजित अभियान का आनंद लिया जिसमें सप्ताह के शुरू में उसी प्रतिद्वंदी पर करीबी लड़ाई में जीत शामिल की, लेकिन 7 विकेट की जीत का मतलब था कि संयुक्त राज्य अमेरिका उच्च नेट रन रेट के आधार पर आगे बढ़ गया। शनिवार को ICC मीडिया विज्ञप्ति में कहा गया कि पिछली रात भारी बारिश के कारण शुरुआत में देरी हुई और समूह में अन्य मैच रद्द होने के बावजूद खेल आगे बढ़ा और अंततः मैच को प्रति टीम 22 ओवर तक कम कर दिया गया, क्योंकि खेल के दौरान अधिक बारिश हुई। कठिन परिस्थितियों में पहले बल्लेबाजी करते हुए कनाडा ने शुरुआती विकेट खो दिए और पहले 6 ओवरों के भीतर 3 विकेट 15 रन पर गिर गए। थोड़ी देर की रिकवरी के बाद USA के गेंदबाजों को एक बार फिर खुशी मिली और अंततः घरेलू टीम को उनके निर्धारित ओवरों में 9 विकेट पर 92 रन पर रोक दिया। कनाडा के लिए यश मॉडल ने सर्वाधिक स्कोर बनाया, जबकि उत्कर्ष श्रीवास्तव और पार्थ पटेल ने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए क्रमशः 16 रन पर 2 और 17 रन पर 3 विकेट लेकर नुकसान पहुंचाया। जवाब में संयुक्त राज्य अमेरिका ने नियंत्रित शुरुआत की। सलामी बल्लेबाज प्रणव चेट्टीपल्लयम ने सामने से नेतृत्व करते हुए 39 गेंदों पर 36 रन बनाए। भले ही उन्होंने दूसरे छोर पर विकेट खो दिए और बीच के ओवरों में 3 विकेट पर 58 रन बना लिए, लेकिन पटेल ने नाबाद 25 रन बनाकर उन्हें पर्याप्त समर्थन दिया। 4 ओवर शेष रहते हुए दर्शकों को लाइन पर देखे। इस जीत से संयुक्त राज्य अमेरिका ने U19 क्षेत्रीय योग्यता चरणों में कनाडाई प्रभुत्व को समाप्त कर दिया है और इसका मतलब है कि वे 2010 के बाद पहली बार विश्व कप में प्रतिस्पर्धा करेंगे। जीत के बाद बोलते हुए USA के कप्तान ऋषि रमेश ने प्रसन्नता व्यक्त की। USA में हमारे लिए यह एक लंबी यात्रा रही है और आखिरकार हम यहाँ हैं। हमने इतिहास रचा है और हमें अपने देश का प्रतिनिधित्व करने पर गर्व है।